हेलो गैज, क्या आपको पता है कि फेसबुक में आप 5000 फ्रेंड्स से अधिक फ्रेंड्स नहीं बना सकते। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि फेसबुक की वर्तमान में बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वो ऐसी है कि वहाँ पर आप 5000 जब आपके फ्रेंड्स हो जाते हैं तो ना तो आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और ना ही किसी की आप फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या हम 5000 से ज़्यादा फ्रेंड नहीं बना सकते फेसबुक में। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल बना सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक और हम आपको बताएंगे कैसे आपको क्या करना है ताकि आप 5000 से अधिक मित्र बना सकें। उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो चलिए बात करते हैं कि आपको कैसे क्या करना होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर दो तरीके हैं जिनके माध्यम से आप 5000 से अधिक फ्रेंड्स बना पाएंगे। तो यहाँ पर पहला तो है कि आप अपनी जो फेसबुक प्रोफाइल है उसको फेसबुक पेज में कन्वर्ट कर लें। ये सबको पता है और शायद आपको भी पता होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे दूसरा और सिंपल तरीके के बारे में। तो मैं फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि आपको एक छोटी सी सेटिंग्स को चेंज करना है आपकी जो फेसबुक एप्लीकेशन है उसमें जाके, और उसके पश्चात आप आसानी से जो 5000 फ्रेंड्स हैं उसको क्रॉस कर पाएंगे और 5000 से ज़्यादा मित्र बना पाएंगे। तो इस सेटिंग को हम चेंज करके बताएंगे कि कैसे आपको क्या करना है। बहुत ही सिंपल है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको आसान हो जाएगा और आसानी से आप कर पाएंगे और जितने चाहें 5000 नहीं 5 लाख मिलियंस भी आप फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसको कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, आपको अपना जो फेसबुक ऐप है उसको ओपन करना है और आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में 3 लाइन्स दिखाई देती हैं, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आपको सबसे नीचे जाना है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में। यहाँ पर जैसे ही आप जाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है और अब आपको सेटिंग्स में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पर देखना है कि आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब आपको क्या करना है कि प्राइवेसी सेटिंग्स में आपको जाना है। प्राइवेसी सेटिंग्स में जाने के पश्चात आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर एवरीवन है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कर लेना है, इसके पश्चात वापस जाना है। इस बात का फ्रेंड्स आप ख्याल रखिए कि यहाँ पर हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, यहाँ पर जो आपके एवरीवन है वहाँ पर आपको फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कर देना है। इसके पश्चात आपको वापस जाना है और अब वापस जाने के पश्चात आप यहाँ पर देखिए पब्लिक पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी आपको पब्लिक में सेट करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर मैंने पब्लिक ऑलरेडी किया हुआ है और हु कैन सी योर फॉलोअर्स ऑन योर टाइमलाइन, तो यहाँ पर भी आपको पब्लिक करना है। और पब्लिक पोस्ट कमेंट्स, तो यहाँ पर भी आपको पब्लिक है मेरे इसमें ऑलरेडी। पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशंस, तो यहाँ पर एवरीवन। और यहाँ पर देखिए पब्लिक प्रोफाइल इन्फो, तो यहाँ पर पब्लिक कर दिया है। कमेंट्स रैंकिंग और फेसबुक प्रीव्यूज़, तो ऐसा आपको कर देना है। और इसके पश्चात आप जाके देखेंगे अपने जो फेसबुक प्रोफाइल है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका ऐड फ्रेंड था वहाँ पर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसमें आपको अपनी जो प्रोफाइल है उसमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए ऐड टू स्टोरीज यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले यहाँ पर ऐड फ्रेंड लिख के आता था। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 3 पॉइंट बिंदु जो बने हुए उनमें क्लिक करना है और व्यू एज में आप यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जहाँ पर ऐड फ्रेंड लिखा हुआ था वहाँ पर फॉलो करके आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए कि आपकी जो लिमिट थी 5000 फ्रेंड्स की वो ख़त्म हो गई है। अब चाहे जितने आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, जिस व्यक्ति को आपको फॉलो करना चाहता है वो फॉलो करेगा और जब भी आप कुछ भी शेयर करेंगे तो वो जानकारी उस व्यक्ति तक पहुंचेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आता था जहाँ पे फॉलो लिखा हुआ है, तो बस आपको इस सेटिंग को चेंज करके यहाँ पर फॉलो बटन लाना है और अब आपकी जो लिमिट है 5000 फ्रेंड्स की वो ख़त्म हो चुकी है। तो यही फ्रेंड्स सिंपल सा फंडा है, बहुत ही आसान है और आप इसको बहुत आसानी से ऐसा कर पाएंगे और इसी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 3 लाइन्स में क्लिक करना है, नीचे जाना है, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स में क्लिक करना है, फिर इसके पश्चात आप यहाँ पर देखिए कि प्राइवेसी सेटिंग्स में जाना है, फिर इसके पश्चात आप यहाँ पर देखिए हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, यहाँ पर जाके आपका एवरीवन होगा तो यहाँ पर आपको फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कर लेना है और फिर पीछे जाना है
और पीछे टोटल जाना है, और इसके पश्चात आप यहाँ पर देखिए पब्लिक पोस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सब जगह पब्लिक 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 आपको कर देना है और बस इतना आपने कर दिया, फिर वापस हो जाना है। बस यही सेटिंग है और आपका पूरी जो सेटिंग वो कंप्लीट हो चुकी है और आपको वापस जाना है, अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर दिख रहे हैं उसमें क्लिक करना है और यहाँ पर साइड में एड टू स्टोरी जहाँ पे लिखा हुआ है उसके बगल में तीन बिंदु दिखाई देते हैं, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर व्यू एज में आपका की प्रोफाइल कैसी दिखेगी उसको क्लिक करेंगे तो इस तरह की प्रोफाइल आपको दिखेगी और यहाँ पर आपको फॉलो बटन दिखाई देने लगेगा। तो यही है फ्रेंड्स जानकारी, और मेरा मानना है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी भी अच्छी लगी होगी, तो फ्रेंड्स इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।